वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन मेथड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन मेथड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो पहले तो क्वेश्चन को रीड करेंगे, आराम से हाईलाइट करेंगे, डेट, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, ध्यान से देखना। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ऑन 1 जुलाई 2015 मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी फॉर ₹30,000, इट परचेज फर्दर मशीनरी। तो अब स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना, तो अब क्या कर सकते हैं आप, अब आपको पता है कि पहला तो क्या होना चाहिए, परचेज ऑफ मशीनरी। तो जैसे जैसे पढ़ रहे हो, M1 कब खरीदी, 1 जुलाई 2015, तो ये कब आता है, ये आता है 15-16 में, ये साथ में ही लिख दो 30,000। स्पीड तेज रखना, सब फंसते कब है, टाइम ज्यादा लगा देते हैं। इट परचेज फॉर द मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2016। डेट्स बहुत ट्रिकी हैं। M2 1 जनवरी 2016 कौन से ईयर में आता है बेटा, ये आता है 2015-16 में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं, उनको 16 दिखता है, वो 16-17 सोच के आगे बढ़ जाते हैं। तभी तो आराम से ठंडे दिमाग से पहले डेट्स लिख देनी चाहिए। 15-16 पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल 2015 टिल 31 मार्च 2016, 31 मार्च तक 15-16 में आता है। तो M2 भी कब खरीदा आपने, 15-16 में, कितने का खरीदा, 20,000। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2016 एक और खरीदा, कॉस्टिंग ₹10,000। तो M3 कब खरीदा, 1 अक्टूबर 2016, ये कौन से ईयर में आता है, 16-17, ये कितने का खरीदा, 10,000, ध्यान से देखना। ओके, अब बड़ा ही मजेदार पार्ट, ऑन 1 अप्रैल 2017 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2015 it became obsolete and it was sold for 3000। it became obsolete, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका पुराना वो हो गया एसेट, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो बस ये बता रहा है कि हमने एसेट सेल कर दिया, कौन सा, 1/3 of M1, 1/3 of the asset purchased on 1 जुलाई 2015। तो 1 जुलाई 2015 को आपने क्या खरीदा था, M1, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि व्हेन पार्ट ऑफ द एसेट वाज सोल्ड, तो पार्ट ऑफ द एसेट अगर आपको समझ आ गया तो बेटा फिर डेप्रिसिएशन सिंपल सी चीज है, बस इसी में ही थोड़ा सा ध्यान देना है। सेल ऑफ मशीनरी कब बेचा, क्या बेचा, 1/3 of M1, और कब बेचा, 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017, ये कब आता है, ये आता है 17-18 में। कितने का बेचा, वॉज सोल्ड फॉर 3000। डेट्स को बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ क्या है, 1 अप्रैल 2017 भी दिख रहा है, 1 जुलाई 2015 भी दिख रहा है। 1 अप्रैल 2017 को बेचा आपने वो एसेट जो आपने 1 जुलाई 2015 को खरीदा था, उसका 1/3, ठीक है। शो हाउ मशीनरी अकाउंट वुड अपेयर इन द बुक्स ऑफ, तो हमें क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। व्हाट इज गिवन, रेट मेथड इज फिक्स इंस्टॉलमेंट स्ट्रेट लाइन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2018, तो 17-18 जब एंड हो रहा है तो आपसे बस क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए बोल रहा है, जो हम 18-19 में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो बेसिकली 15-16, 16-17, 17-18, 3 साल के अकाउंट्स बनेंगे। आराम से देखना, कॉन्सेप्ट कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या बोलते हैं इसको, व्हेन अ पार्ट ऑफ एन एसेट इज बीइंग सोल्ड,
जब आप एक पार्ट बेच रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेथड स्ट्रेट लाइन हो या रिटन डाउन वैल्यू हो, वो तो सिर्फ कैलकुलेशन चेंज करता है, क्वेश्चन करने का तरीका सेम रहने वाला है। तो अगर आप दिमाग से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो, इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा। पहला लॉजिकल टेक्निकल, जो रियल लाइफ में यूज होता है, पहले मैं उस तरीके से करके दिखाऊंगा, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो अभी मैं क्या करके दिखा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन 1। तो जो आपके स्कूल में फॉलो हो रहा हो आप वो ऑप्शन करना, दोनों बातें एग्जैक्टली सेम है, बट दो अलग तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। सिर्फ कहां अप्लाई होगी ये बात, व्हेन पार्ट ऑफ द एसेट इज बीइंग सोल्ड। ऑप्शन 1, जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे। ध्यान से देखना क्या है डिटेल। तो पहला है 1 जुलाई 2015 को खरीदा, 1516। तो पहला ईयर क्या है, 1516। तो 1516 में पहला एसेट ही कब खरीदा, July 1। डेट्स का बहुत ध्यान रखना। 2 बैंक अकाउंट, क्या खरीदा, मशीनरी 1, कितने की खरीदी, 30,000। और फर्स्ट खरीदी 1 जुलाई को, सेकंड खरीदी 1 जनवरी 2016, सेम ईयर में आता है 1516 में ही, 1 जनवरी 2016, जनवरी 1। 2 बैंक अकाउंट M2, कितने की खरीदी, 20,000। इस साल कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ना तो हमने कोई और एसेट खरीदा ना कोई और एसेट बेचा। तो आगे चलते हैं, बुक्स क्लोज करेंगे। तो बुक्स क्लोज में पहले डेप्रिसिएशन, March 31st बाय डेप्रिसिएशन। ध्यान क्या देना है, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फॉर द टाइम, फॉर द नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द एसेट इज यूज्ड। जितने महीने आपने उस साल एसेट यूज किया उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। मशीनरी 1, 30,000 का है, 30,000 का है, लेकिन आपने कब खरीदा है, जुलाई में, तो जुलाई से यूज करना स्टार्ट किया होगा। तो डेप्रिसिएशन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10% रेट है, ओके, बट 9 मंथ्स। यहां मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर देते हैं, टाइम पीरियड वो गलती से पूरा साल ले लेंगे या कैलकुलेशन ठीक से नहीं करेंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो 10% है, 1 जुलाई को अगर आपने एसेट खरीदा है तो डेप्रिसिएशन 1 जुलाई से लगनी स्टार्ट होगी, ये ध्यान देने वाली बात। तो 30,000 का 10% होता है 3,000, 30,000 का 10% हो गया 3,000 into 9/12, 2250, ये M1 की depreciation। M2 आपने 20,000 का खरीदा था, 10% depreciation है, लेकिन 1 जनवरी को खरीदा था, जनवरी, फरवरी, मार्च, उस ईयर सिर्फ 3 मंथ्स के लिए यूज हुआ। तो 20,000 का 10% होता है 2,000, 2,000 इंटू 3/12 कंपोर्ट हो जाता है 500। तो उस पीरियड की डेप्रिसिएशन कितनी लगी, 2750। टाइम पीरियड बार बार बोलूंगा, टाइम पीरियड का ध्यान रखेंगे। बुक्स क्लोज करेंगे March 31st बाय बैलेंस कैरेट डाउन। M1 कितने का खरीदा था, 30,000, कितनी डेप्रिसिएशन लग गई, 2250। ये जो ब्रैकेट्स में मैं बैलेंस निकालते वक्त लिख रहा हूँ तो बस तरीका बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली अमाउंट भी लिख सकते हैं, बट इनर कॉलम में लिखेंगे, प्रेजेंटेशन बेटर होती है। ध्यान से देखना, तो M1 का बैलेंस क्या है, 27,750। M2 कितने का था, 20,000, उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लगी, 500, 19,500। तो आपके पास कितने का एसेट पड़ा हुआ है, 47,250, 30,000 का 10%, 3 मंथ्स की और 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन 2250, 20,000 की 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कैसे निकाली, अकाउंट कैसे बनाया, फर्स्ट ईयर में किसी को कोई भी डाउट,
जल्दी बोलेंगे? नो सर। ओके, आगे बढ़ेंगे। वर्किंग नोट बता रहे हैं, 15-16 में दो एसेट खरीदे थे, फिर 16-17 में एक और एसेट खरीदा था, फिर 17-18 में जाके बेचा हमने। तो 16-17 में कोई बेचा नहीं, एक एसेट खरीदा जरूर था फर्स्ट अक्टूबर को जाके। चेक कर लेंगे हम, फर्स्ट अक्टूबर 2016 आता है 16-17 में, 10,000 का। तो 16-17 जब स्टार्ट हुआ, 2016-17 जब स्टार्ट हुआ, तो मेरे पास पहले से कुछ एसेट्स पड़े हुए थे। ध्यान से देखना, ओपनिंग बैलेंस क्या था? अप्रैल 1, टू बैलेंस बीबी, M1, M2, M1 27750, M2 19,500। ये तो गया स्टार्टिंग। अब इस साल हमने एक और एसेट खरीदा, कब खरीदा? अक्टूबर 1, टू बैंक अकाउंट, इंक्रीज इन एसेट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द एसेट अकाउंट। क्या खरीदा? M3 मशीनरी 3, कितने की खरीदी थी? 10,000। डायरेक्टली एक बार दिखा देंगे, एक ही एसेट है, 10,000। इस साल हमने और कोई नहीं खरीदा, ना ही कोई बेचा, बट डेप्रिशिएट तो हुए होंगे, तो मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। M1 की डेप्रिसिएशन कितनी है? M1 की डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड ध्यान देना है, 30,000 का 10%। अब पूरे साल यूज हुआ इस साल तो 3,000। M2 स्ट्रेट लाइन में, बस ये ध्यान रखना है कि ओरिजिनल कॉस्ट पे, कि M1 कितने खरीदा था आपने? 30,000, तो पूरे 30,000 का डेप्रिसिएशन निकलेगा पूरे साल का। और WDV में बस हो जाएगा कि जो स्टार्टिंग में बैलेंस है ना 27,750, आगे जाके रिटर्न डाउन वैल्यू हम उस पे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, अभी हम स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं। M2 कितने का खरीदा था? 20,000, सेकेंड ईयर में पूरे साल यूज हुआ तो उसका 10% कितना हो गया? 2,000। अब ध्यान से देखना, M3 इस साल ही खरीदा है, M3 10,000 का था, उसका 10% 1,000 होता है, लेकिन आपने अक्टूबर में खरीदा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो जो थर्ड मशीनरी है उसकी 6 months की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। 1,000 का 10% 1,000, 1,000 का हाफ 500, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 5,500, ये हो गई डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से देखना, मार्च 31 क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तीन मशीन है आपके पास, M1, M2, M3। ओके, M1 आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 27750 माइनस 3,000, तो कितना बैलेंस आ रहा होगा? 24750। M2 का बैलेंस कितना आ रहा होगा? 19,500 माइनस 2,000, कितना आ रहा होगा? 17,500। और M3 का कितना आ रहा होगा? M3 आपने इस साल खरीदी है 10,000 की, उस पे 500 डेप्रिसिएशन लगी, तो कितना आ रहा होगा? 9,500। फर्स्ट 2 ईयर्स डन। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? जल्दी बताएंगे, नो सर। एनी डाउट? ठीक है, तो फर्स्ट 2 ईयर्स डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ईयर ऑफ सेल, ध्यान से देखेंगे। सेल ऑफ मशीनरी 1 अप्रैल 2017, तो 2017 में और कोई नया नहीं खरीदा, सिर्फ एक एसेट बेचा है, सिर्फ एक एसेट बेचा है। तो कब बेचा है? 1 अप्रैल को बेचा है, वो एक खुशी की बात है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट ईयर कौन सा है? 17-18, 17-18, अप्रैल 1, टू बैलेंस बीबी, मोटर व्हीकल 1, मोटर व्हीकल 2, मोटर व्हीकल 3, मोटर व्हीकल 1 24750, मोटर व्हीकल 2 17,500, मोटर व्हीकल 3 9,500।
टोटल आपके पास कितने का एसेट है? 51,750। अब ध्यान से देखना बेटा, आराम से, तसल्ली से, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, ध्यान से देखेंगे। कब ये वर्किंग नोट बनता है? व्हेन अ पार्ट ऑफ द एसेट इज बीइंग सोल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, जब भी पार्ट ऑफ द एसेट बेच रहे ना, तब ये वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो ये तो हमेशा ही बन रहा था, अब नया क्या हो गया बेटा? पार्ट ऑफ द एसेट बेच रहे हैं, ध्यान से देखना, जो एसेट आप बेच रहे हो, जो एसेट आप बेच रहे हो उसकी टोटल वैल्यू है 24750 एज ऑन डेट 1 अप्रैल को। उसकी बुक वैल्यू क्या है? M1 की 24750। आपने खरीदा कितने का था? M1 30,000 का खरीदा था, ध्यान से देखना। बुक वैल्यू ऑफ M1 ऑन 1 अप्रैल 2018 कितनी है? 24750। ये एक बार ही जरूर वेरीफाई कर लेना चाहिए क्योंकि बेस सारी यही होनी, ठीक है, 24750। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप इसका 1/3 बेच रहे हो तो कितना बच गया? 2/3। छोटा सा वर्किंग नोट है, बस ध्यान से करने वाला है। सोल्ड 1/3, रिमेनिंग 2/3। जो ये 24750 है, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 30,000। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 30,000। अब 1/3, तो बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 की? 1 अप्रैल 18 को 24750 इंटू 1/3, तो 388,250। तो 2/3 की कितनी हो जाएगी? बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2018 24750 इंटू 2/3, कैलकुलेट करेंगे तो 8250 का डबल 16,500। और ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? ओरिजिनल कॉस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ओरिजिनल कॉस्ट थी, हमें तो बुक वैल्यू से मतलब है, बट डेप्रिसिएशन के टाइम तो ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए होगी, जो एसेट बच गया, तो कितना बच गया? 30,000 इंटू 2/3 20,000। तो जो भी एसेट है मैंने उसको स्प्लिट कर दिया एट द टाइम ऑफ सेल, 1/3 2/3। तो जो आप एसेट बेच रहे हो 24750, उसकी बुक वैल्यू थी ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ सेल उसकी बुक वैल्यू थी 24750। उसका 1/3 बेच रहे हो तो 1/3 की वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी थी? 8250। 2/3 तो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो तो यूज करोगे आप आगे। अब ध्यान से देखना, ये आपने बेचा कितने का? This was sold for 3,000. Line पढ़ेंगे दोबारा। On 1 April 2017, 1/3 of the machine installed on 1st July 2015 became obsolete and was sold for 3,000. So sale value is 3,000. ध्यान से देखना, working के time. तो book value is 8250. Original cost यहाँ use नहीं होगी, आपके understanding के लिए बस। सेल वैल्यू इज 3,000। तो क्या कर रहे हैं आप? 8250 की चीज 3,000 में बेच रहे हैं, तो लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ 8250 माइनस 3,000, तो कितना लॉस हुआ? 5250। 8250 क्या थी? बुक वैल्यू ऑफ द 1/3 एसेट। 3,000 क्या थी? सेल वैल्यू। लॉस कितना हुआ? 5250। दिखाएंगे कैसे, ध्यान से देखना, एसेट अकाउंट में कैसे दिखाएंगे इसको। ओके, अप्रैल 1 को ही हमने एसेट बेच दिया, तो ये आसान पार्ट हो गया कि आपको कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी पड़ी, तो यहां पे डायरेक्टली आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट।
सेल वैल्यू किसकी? 1/3 M1 बेच दिया 3000, और एसेट के क्रेडिट साइड पे ही आती है क्या? लॉस अगर हुआ है तो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 5250। ये था 1/3 एसेट। इस साल आपने और कोई एसेट नहीं खरीदा। लॉस कैसे निकाला, ये वर्किंग नोट कैसे बनाया, 1/3 एसेट को कैसे स्प्लिट करा, इस वर्किंग में किसी को कोई भी डाउट? प्लीज से यस और नो जल्दी। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। ठीक है, अब हमारे पास कितना एसेट बच गया है? 2/3 तो M1 बचा हुआ है, और M2 और M3 तो बचे ही हुए हैं। अब और कोई नया एसेट नहीं खरीदा, ना ही कोई बेचा। अब जब बुक्स क्लोज होंगी तो March 31st बाय डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या बचा हुआ है आपके पास? 2/3 of M1 बचा हुआ है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो डेप्रिसिएशन तो ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलेगी। तो ये इसलिए यहाँ पे मैंने स्प्लिट करके दिखाया था कि 2/3 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी? 20,000। 30,000 का अगर पूरा ओरिजिनल कॉस्ट है तो उसकी 1/3 10,000 होती है, 2/3 20,000 होती है। ये कहाँ यूज होगी? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो डेप्रिसिएशन अब कितनी होगी? 20,000 का 10%। बाकी 2/3 मशीनरी तो आपने पूरे साल यूज करी होगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी सिंपल है, M2 आपकी 20,000 की थी तो उसकी 20,000 की 10%, उसकी 2,000 डेप्रिसिएशन। M3 आपके पास पड़ी हुई थी, वो भी पूरे साल यूज हुई, तो M3 कितने की खरीदी थी? 10,000, 10,000 का 10% कितना? 1,000, 5,000। ठीक है, अब लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्वेश्चन ओवर। क्लोजिंग बैलेंस निकालते वक्त भी ध्यान देना है। March 31st बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 2/3 M1 बचा हुआ है, ध्यान से देखना, 2/3 M1 बचा हुआ है। तो इसकी वर्किंग मैंने आपको कराई कि 2/3 M1 की वैल्यू थी कितनी, तो आपको समझ आएगा कि ये वर्किंग नोट कितना इंपॉर्टेंट है। 2/3 M1 की वैल्यू थी 16,500 जब साल शुरू हुआ। 1/3 को तो भूल जाओ, वो तो बिक चुका है। 2/3 जब साल शुरू हुआ तो 16,500 वैल्यू थी। यहाँ पे आया 16,500, और इस साल उस पर 2,000 और डेप्रिसिएशन लग गई, तो कितनी वैल्यू आ गई? 14,500। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। M2 का बैलेंस कितना है जब साल शुरू हुआ? तो 17,500 माइनस 2,000, 15,500। M3 का बैलेंस कितना है? 9,500 जब साल स्टार्ट हुआ, माइनस इस साल के डेप्रिसिएशन 1,000, कितना है? 38,500। सबसे बड़ा जो ध्यान देने वाली चीज, लास्ट चीज जो थी वो ये थी कि जब बैलेंस निकालने, क्लोजिंग बैलेंस, तो गलती क्या करते हैं काफी स्टूडेंट्स, वो ये देखते हैं कि M1 का ओपनिंग बैलेंस 24750 था, इस साल उस पर 2000 और डेप्रिसिएशन लग गए, और उससे निकालते हैं बैलेंस, क्योंकि हम वैसे ही निकालते हैं ना सारे क्लोजिंग बैलेंस। इसमें हम उसका एक पार्ट बेच चुके हैं। 24750 टोटल मशीनरी की वैल्यू थी। ये वर्किंग नोट ही तो समझना है कि 24750 को कैसे हमने स्प्लिट करा 1/3 और 2/3 में। 1/3 बेच दिया, 2/3 बचा हुआ है। तो जब साल शुरू हुआ, बुक वैल्यू ऑन 1st April 2018, तो 2/3 की वैल्यू थी 16,500। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस निकाला, ये ध्यान देने वाली बात है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यही होने वाला है, व्हेन पार्ट ऑफ द एसेट इज सोल्ड। इनको ढंग से कर लोगे तो जब पूरे पूरे एसेट बेच रहे हो तो ऐसा लगेगा कि वाह कितना आसान होता है जब पूरा एसेट बेचते हैं। April 1 बस बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूं। 2 बैलेंस BD, क्या बचा है मेरे पास? 2/3 of M1, M2 है और M3 है। 2/3 of M1 की वैल्यू है 14,500, M2 की वैल्यू है 15,500, M3 की वैल्यू है 8,500।
500. तो उनके क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट भी थी अलग से कि व्हाट इज द बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन 1st अप्रैल 2018. सो द आंसर इज 38,500. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है. अभी मैंने आपको एक तरीके से करके दिखाया है, अब मैं आपको एक और तरीके से करके दिखाऊंगा. सेम क्वेश्चन एक और तरीके से करके दिखाऊंगा, उसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड. थियोरेटिकली तो अच्छा लगता है वो मेथड, बट रियल लाइफ में वो यूज होता नहीं है, बट स्कूल लेवल पे इक्वली करेक्ट है, अलाउड है. वो करना जिनके स्कूल में अलाउ कर रहे हैं, अदरवाइज दिस इज द बेस्ट वे. पहले आप इसको देख लें, फिर आप उसको करेंगे. पहले इसको देखिए. अब जैसे कि मैंने बताया कि सेम क्वेश्चन को करने का एक और तरीका होता है. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अगर आए कि मतलब पार्ट ऑफ द एसेट इज बीइंग सोल्ड, तो अब क्या हुआ, कुछ टीचर्स, कुछ स्कूल्स, कुछ ऑथर्स ऐसा ऑप्शन देते हैं. क्या ऑप्शन देते हैं, ध्यान से देखना. वो कह रहे हैं कि 1st अप्रैल 2017 को जाके क्या हुआ, फर्स्ट 1/3 ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड. तो जब भी आप पार्ट ऑफ द एसेट बेच रहे हो, जब भी आप पार्ट ऑफ द एसेट बेच रहे हो, तो स्टार्टिंग से ही स्प्लिट कर दो, स्टार्टिंग से ही एसेट को स्प्लिट कर दो. कुछ ऑथर्स ऐसा ऑप्शन देते हैं. बहुत ही थ्योरेटिकल सी बात है, बट ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं. कह रहा, अगर आपको पता है ना कि आप M1 बेचने वाले हो पार्टली, आप M1 बेचने वाले हो पार्टली, तो आप स्टार्टिंग से ही उसको स्प्लिट कर दो उतने पार्ट्स में. कैसे, ध्यान से देखना. टू बैंक अकाउंट M1, एक 1/3 और एक 2/3, पहले से ही उसको स्प्लिट कर दो, पहले से ही उसको स्प्लिट कर दो. कैसे, ध्यान से देखना. आपको पता है कि आगे जाके ये बेच दोगे, तो पहले से ही दो पार्ट्स में दिखाओ, M1 1/3 10,000, 2/3 20,000. परचेजेस कैसे दिखाया, इसमें किसी को कोई डाउट, स्प्लिट करके कैसे दिखाया, इसमें किसी को कोई डाउट. सेम डेट 1st जुलाई को खरीदे, तो 1st जुलाई को ही स्प्लिट करके दो ट्रांजैक्शन आ जाएंगी, इसमें किसी को कोई डाउट. नो सर. अब ऐसे ही जब हर जगह जहां जहां M1 आ रहा था, आप उसको स्प्लिट करके दिखाओगे. अब डेप्रिसिएशन, M1 पहले क्या, 2/3 M1 और फिर क्या आ जाएगा, 1/3 M1. टोटल्स तो उतने ही रहेंगे, बस हम उसको स्प्लिट करके दिखा रहे हैं. एडवांटेज अभी पता चल जाएगी. 2/3 M1 की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, या चलो पहले मैं दिखाता हूँ, 1/3 M1 सीक्वेंसिंग रहेगी वैसे ही, ठीक है. 1/3 M1, तो 1/3 M1 की डेप्रिसिएशन 10,000 का 10% फॉर 9 months, तो 1,000 into 9/12, 750. तो 2/3 M1 की कितनी हो जाएगी, 2/3 M1 की हो जाएगी 20,000 into 10% into 9/12, वो कितनी हो जाएगी, 1,500. ये ध्यान देना है, उसको हमने स्प्लिट कर दिया, उसको हमने स्प्लिट कर दिया. M2 का तो कोई लेना देना नहीं है, M2 का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है. अब ऐसे ही जब क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना, क्लोजिंग बैलेंस M1 को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में, 1/3 2/3. तो अब 1/3 M1 का बैलेंस क्या है, 10,000 का आपने खरीदा था, 750 उस पर डेप्रिसिएशन लग गई, कितना आया, 9,250. 2/3 M1 कितने का खरीदा था, 20,000, उस पर डेप्रिसिएशन लग गई 1,500. तो अब उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 18,500, 18,927, 27,750. जहां जहां M1 है मैं उसको हटा देता हूँ, M1 को मैं बार बार स्प्लिट करके दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा उसका एडवांटेज क्या होगा. फर्स्ट ईयर में मैंने M1 स्प्लिट कर दिया, फर्स्ट ईयर में किसी को कोई डाउट, फर्स्ट ईयर में किसी को कोई डाउट, ठीक है. अब जब सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ, तो स्प्लिट करके दिखाएंगे. सेकंड ईयर जब स्टार्ट हुआ,
तो एक तो है मेरे पास 1/3 M1 और एक है मेरे पास 2/3 M1। तो 1/3 M1 कितने की है? 9,250 उसका बुक वैल्यू है, और 2/3 का है 18,500। M2 का तो कोई लेना देना नहीं है, सेम ही है, टोटल भी 47,250 आया। अब ईयर के एंड पे जब डेप्रिसिएशन निकलेगा तो 1/3 M1 अलग निकलेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 10,000 का 10% और 2/3 M1 का अलग निकलेगा कितना? 20,000 का 10%। तो इसका आया 1,000 और इसका आया 2,000। पहले हम 3,000 दिखा रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम स्प्लिट करके दिखा रहे हैं। टोटल डेप्रिसिएशन अभी भी 5,500 है। अब जब बैलेंस दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस, तो 1/3 M1 अलग दिखाएंगे, 2/3 M1 अलग दिखाएंगे। 1/3 M1 का बैलेंस क्या आएगा? जब साल शुरू हुआ तो 9,250 का एसेट था, इस साल 1,000 डेप्रिशिएट हो गया, तो वैल्यू क्या बची? 8,250। 2/3 M1 कितने का था? 2/3 M1 जब साल शुरू हुआ तो 18,500 का था, कितना बेच दिया हमने? इस साल कितना डेप्रिशिएट हुआ? 2,000। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 16,500। इससे एडवांटेज क्या होगा? जब थर्ड ईयर स्टार्ट होगा, जब थर्ड ईयर स्टार्ट होगा तो ध्यान से देखना, जब थर्ड ईयर स्टार्ट होगा तो वो जो वैल्यूज हैं पहले से ही आपके पास, 1/3 M1 और 2/3 M1 जो हमने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करी थी, वो आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, क्योंकि आपने पहले से ही स्प्लिट कर दिया था। 1/3 M1 की वैल्यू क्या है? 8,250। 2/3 M1 की क्या है? 16,500। एग्जैक्टली यही चीज तो हमने कैलकुलेट करी थी, एग्जैक्टली सेम चीज हमने कैलकुलेट करी थी जब हम कंसोलिडेटेड दिखा रहे थे। तो जब कंसोलिडेटेड दिखा रहे थे तो 24,750 उसकी वैल्यू आ रही थी, एक साथ दिखा रहे थे, तो उसको स्प्लिट कर दिया था कि 1/3 8,250 है, 2/3 16,500 है। ये तब जब हम कंसोलिडेटेड दिखा रहे थे। अगर हम स्प्लिट करके दिखा रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो फिर मुझे उस वर्किंग नोट को बनाने की जरूरत नहीं है। बट फिर हर साल मुझे 1/3 अलग, 2/3 अलग, हर जगह जहां जहां एसेट आ रहा है वो दो अलग पार्ट्स में आएगा। तो अब जब लास्ट ईयर आया तो 1/3 8,250 का था, 3,000 का बेच दिया, 5,250 उस पर लॉस हुआ, सब कुछ सेम। फिर जब डेप्रिसिएशन की बारी आई, अब तो 2/3 का वैसे ही निकाला हुआ था, तो 2/3 तो मेरा 20,000 ही था, उसका 2,000 ही आएगा, M2 का सेम आएगा, M3 का सेम आएगा, क्लोजिंग बैलेंस भी वैसे आएगा जैसे पहले ऑप्शन 1 में निकाल के दिया था। एग्जैक्टली सेम है बाकी सारी चीजें, बस ध्यान क्या देना है, इस ऑप्शन में अगर आप पार्ट ऑफ द एसेट बेच रहे हो तो जब आपने एसेट खरीदा था उसी टाइम उसको स्प्लिट करके दिखा दो। अगर आप 1/4 बेच रहे होते तो दो बनते, 1/4 1/3। अगर आप 1/3 बेच रहे हो तो एक 1/3 बन जाएगा, एक 2/3 बन जाएगा। बट ये एक थियोरेटिकल तरीका है क्वेश्चन को करने का, एक्चुअल तरीका तो बेटा यही है कि हम टोटल पूरे एसेट को एक साथ दिखाएं और कैलकुलेशंस करें, कैलकुलेशंस करें। जब हम पार्ट ऑफ द एसेट बेचें तो हम उसके प्रॉपर कैलकुलेशन करें, प्रॉपर वर्किंग करें कि हम कैसे निकाल रहे हैं कि अच्छा टोटल एसेट की वैल्यू अगर ये है 1 अप्रैल 2018 को 24,750, तो अगर हम 1/3 बेच रहे हैं तो बताओ 1/3 की वैल्यू क्या होगी। ये सब कैलकुलेशन करना रियल लाइफ में ये होता है। अब खुद सोचो, खुद सोचो। अब आप ठीक है, स्कूल लेवल पे अलाउड है आसान तरीका, तो आपने कर लिया, स्प्लिट करके कर दिया, ओके परफेक्टली एक्सेप्टेबल। बट सोचो अब आप रियल लाइफ में हो, आप 1 अप्रैल 2015 या 16 में कहीं पे हो, 1 जुलाई को ही हो, तो बेटा भव्या क्या आपको 1 जुलाई 2015 को पता था कि आप 2 साल के बाद उसका 1/3 बेच दोगे? अच्छा इज इट पॉसिबल? नो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको पता हो। तो आप रियल लाइफ में पहले से स्प्लिट करके दिखाते होगे या टोटल्स दिखाते होगे, और जब पार्ट ऑफ द एसेट बेच रहे हो तो उसकी कैलकुलेशन करते होगे। कैसे करते होगे आपके हिसाब से?
पहले पूरा पूरा दिखाते होंगे, फिर बाद में पार्ट सेल का दिखाते हैं। एग्जैक्टली वही करते हैं रियल लाइफ में, बट स्कूल लेवल पे ऑप्शन है, तो प्लीज दोनों ऑप्शंस इक्वली करेक्ट हैं। जहां पे ऑप्शन मिल रहे हैं स्कूल में, वहां पे जहां पे बोल रहे हैं कि ऑप्शन वन कि स्प्लिट मत करना, तो स्प्लिट मत करना। मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया, स्प्लिट नहीं करेंगे तो क्या होगा और स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा। दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन करके दिखा दिया है, आप वो फॉलो करेंगे जैसा आपके स्कूल में करा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो पूछ लेना कि व्हेन पार्ट ऑफ द एसेट इज बीइंग सोल्ड, तो आप क्या चाहते हो, हम पहले से स्प्लिट करके दिखाएं या हम पूरा एसेट दिखाएंगे और जब पार्ट ऑफ द एसेट बेच रहे हैं तो उसकी वर्किंग नोट दिखाएंगे प्रॉपरली कि हमने कैलकुलेट कैसे किया। सारी चीजें आपको करके दिखा दी हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से दोबारा वर्ड टू वर्ड करना है इसको। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा था ये क्वेश्चन? नंबर थिंक 9 ऑफ टीएस ग्रेवा।